जो अहबाब इधर उधर खड़े हैं उसे गुजारिश है कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए, खुद बैठे औरों के लिए हम जुड़ने का बैठने का जरिया बने। ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हम खुद जा रहे हों और हमें देख करके और लोग भी उठ करके हमारे पीछे आ रहे हों। हम अपने मकसद के अंदर शामिल हैं। सब कुछ छोड़ करके जब हम इज्तिमा में आए हैं तो इज्तिमा से मुकम्मल तौर पर फायदा उठाएं। शुरू ही से नियत ये करें कि इंशाअल्लाह पूरे इज्तिमा में दुआ तक की कोई मजलिस मुझसे छूटेगी नहीं। समझदारी तो इसमें यह है कि आदमी जिस मकसद के अंदर है उस मकसद के अंदर पूरा मुतवज्जे रहे। अब हम ऐसे नादान तो नहीं है कि अपने मकसद ही को भूल जाए। सुबह में आदमी फ्रेश होकर के घर से निकलने की तैयारी कर रहा है, जेब में चाबी भी दुकान की डाल दी, घरवालों से भी कह रहा है कि मैं दुकान जा रहा हूं और सीजन भी चल रहा है जिसमें एक दिन की कमाई 10 दिन 15 दिन के बराबर। जैसे अभी हमारा ये सीजन है नेकियों के बटोरने का, नेकियों के जमा करने का, कई दिनों से सुनते आ रहे थे इज्तिमा है इज्तिमा है। हम खुद अपनी जुबान से औरों को दावत भी देते थे हमारे इज्तिमा में शिरकत की। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से हम सबको यहाँ पहुंचाया। ये हमारे लिए सीजन है, बहुत खैर यहां से हम लेकर के जा सकते हैं, बहुत बड़ी हिदायत अल्लाह के खजाने से हम यहां से लेकर के जा सकते हैं। बशर्ते कि इज्तिमा के बारे में हम कदरदान हो, अपने मकसद की तरफ मुकम्मल मुतवज्जे हो कि हमारा इज्तिमा का एक सेकंड हमसे जाए न जाए। किस घड़ी में किसकी जुबान से क्या बात अल्लाह सुनवा दे और हमारे दिल की दुनिया बदल जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए कि ये उमूमी इज्तिमा बड़े खैर को लेकर के आते हैं। मियां जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे उम्मत में उमूमी हिदायत के आम होने के 3 असबाब है जिनमें से एक ये उमूमी इज्तिमा है। आपने कईयों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मुझे पहले नमाज से कोई सरोकार नहीं था, रमजान आता था जाता था, जुम्मा में कभी शरीक हुआ न हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी फना जो इज्तिमा हुआ था फना साल में वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। ये इज्तिमा से उमूमी फिजा बनती है, सख्त जमीनें नरम होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों की काय पलटाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसी खैर के जगह में पहुंचाए हैं। अब वो बंदा सीजन भी चल रहा है, जेब में चाबी भी डाली, घर वालों से भी कह गया कि दुकान जा रहा हूं, लेकिन जाकर के अपने दोस्त की मजलिस में बैठ गया।
बातों में ऐसा लगा कि अपना मकसद ही भूल गया। शाम को सर पीट करके रो रहा है, या अल्लाह आज तो मैं दुकान जाना ही भूल गया। कैसी सीजन चल रही है कि एक एक दुकान में से दस दस ग्राहक, हर ग्राहक के हाथ में तो दो दो तीन तीन जबले। काश मैं भी अपनी दुकान जाता तो कई जबले मेरी दुकान से भी निकलते भरे हुए। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछतावे क्या हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस्तिमा के अंदर पहुंचाए हैं। कोशिश इस बात की करें कि मुकम्मल इस्तिमा की दुआ तक इंशाअल्लाह हमसे कोई मजलिस छूटेगी नहीं। और जिस मकसद के लिए इस्तिमा होते हैं इंशाअल्लाह अपने आप को उसके अंदर भी पेश करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। लेकिन जब बंदा अल्लाह की तरफ आगे बढ़ता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो तीन चीजें इसके लिए रुकावट बन जाती है। एक तो हमारा नफ्स, वो चाहेगा कि आखिर में बैठे ताकि जब निकलने का जी करे तो सहूलत के साथ में निकल सके। अब वो मजमे को आगे भेज रहा है, आगे बढ़ो। क्यों? ताकि मैं पीछे बैठूं। जब तक जी में आया सुना, जब जी में आया उठू तो उठे। इसका नाम दीन नहीं। दीन तो ताबेदारी का और बात के मानने का नाम है। और खैर जो मिला करती है वो मुकम्मल अमल के ऊपर मिला करती है। अंजाम का एतबार होता है। एक बच्चा पूरा साल स्कूल में गया लेकिन इम्तिहान के दिनों में ही न गया, आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए कि आखिरत आखिरी लम्हा का एतबार होता है। तो हम भी मजलिस के शुरू से अखीर तक, जब तक मजलिस खत्म ना हो तब तक शरीक रहे, और पूरी मजलिस में जब तक इस्तिमा हो, सारी मजलिस के अंदर, सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं। नफ्स बरगलाएगा, थके नहीं है लेकिन थकने का एहसास भी दिलाएगा। इसलिए कि ये नफ्स जो है वो खैर की तरफ नहीं चलता। लेकिन उसको समझाए, अपने जी को कहे, अल्लाह का बंदा दुकान को तीन दिन के लिए छोड़ करके आया है, घर बार को छोड़ करके आया है, क्या रुकावट है तेरे लिए। थोड़ी सी जी की ख्वाहिश और नफ्स की चाहत के ऊपर इतनी बड़ी खैर को छोड़ करके मजलिस से बाहर। नफ्स को समझाए, और जो बंदा नफ्स को मारना सीख ले तो इसके हाथ में खैर आ गई। इसीलिए किसी अल्लाह वाले से पूछा गया, हजरत जन्नत में जाने का कोई मुख्तसर सा रास्ता। फरमाया, हाँ, एक कदम नफ्स पे लख रख दे, तेरा दूसरा कदम जन्नत में। सारी परेशानियां तो इसी की है। कारोबार में हेरा फेरी, नफ्स ही तो वरगला रहा। लिबास में सुन्नत शरीयत से हट करके लिबास अपनाना, ये नफ्स ही तो वरगला रहा। अब इसी को मारना है। निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े उसी को मारा, नफ्स अब मारा तो गर मारा।
इसको अगर मार दिया, इसको कुचल दिया, तो आदमी खैर की तरफ आगे बढ़ता रहता है। दूसरी वजह आदमी को खैर से, खैर की तरफ आगे बढ़ने से रोकने वाली शैतान, जो अल्लाह से वादा करके आया है, तेरे बंदों को वरगलाऊंगा, बहकाऊंगा, सीधी राह से हटा करके इधर उधर मोड़ दूंगा। कभी पेशाब पानी के बहाने से, कभी चाय के बहाने से, कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से मजलिस में बैठने नहीं दूंगा। तीसरी हमारी बुरी आदत, थोड़ी देर बैठे बीड़ी वाले को बीड़ी की, तंबाकू वाले को तंबाकू की, चाय वाले को चाय वाले की चाय की, और कुछ नहीं तो जेब में से वो खिलौना निकाल करके उसे देखा तो एक आध मैसेज पड़ा है या मिस कॉल है, अब इसी बहाने से ये बंदा आगे निकल बाहर निकल जाएगा। हालांकि हदीस में इस मजलिस के बारे में जो बशारत आई है, और एक बहुत बड़ी बशारत, जिसके बारे में फरमाया कि जब मजलिस खत्म हो जाती है तो एक फरिश्ता आवाज देता है मजलिस वालों को, कूमु मग़फूर लकुम, कि खड़े हो जाओ इस हाल में कि तुम्हारी मग़फिरत हो गई। ये परवाना, ये सर्टी आखिर में दिया जाता है, और हम तो उससे पहले ही निकल गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, फजल है कि दिनों से इज्तिमा इज्तिमा सुनते आ रहे थे, कहते आ रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से हम सबको यहाँ पहुंचा है। अल्लाह हम सब का यहाँ हाजिर होना कबूल फरमाए, और यहाँ से बहुत कुछ खैर अपनी झोली में डाल करके ले जाए। इंशाअल्लाह ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी इनाम की चीज मिली है, इस पर तो खुश होना चाहिए। इसीलिए तो कुरान ने कहा, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रहू, अल्लाह की तरफ से कोई फजल कोई रहमत मिले तो यही तो वो चीजें हैं कि जिस पर बंदों को खुश होना चाहिए। दुनिया के हकीर ठिकरे और चिथड़े मिल गए, मकान अच्छा बन गया, औलाद को डिग्री मिल गई, सर्विस और नौकरी के ऊपर लग गया, अच्छी बात है, लेकिन एक ईमान वाले के लिए खुशी की चीज, इसकी आखिरत की तैयारी करने वाले आमाल की तौफीक मिल जानी मिलना मिल जाए तो ये बहुत बड़ी खुशी की चीज है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में भी है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल लजीन इज़ा अहसनु इस्तबशरु वइज़ा असाउ इस्तगफरु, या अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर कि जो अच्छे आमाल के ऊपर खुश हो, और अगर उनसे कोई चूक हो जाए तो फौरन इस्तिगफार कर ले। तो बहुत बड़ी आदत है, नेक बख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस्तिमा में पहुंचाए हैं। बड़ी खैर खाही का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब के साथ मामला फरमाया, बंदा नवाजी बंदा परवरी का अल्लाह ने मामला फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तिमा में हमें पहुंचा है, इसको वसूल करने वाले बने, और उसके वसूल करना यह है, इसकी हर मजलिस में
दिल माने न माने, जी चाहे न चाहे, नफ्स के ऊपर पांव रख करके हर मजलिस में अपने आप को अखीर तक जमाए, खुद जमे औरों के लिए भी जमने का जरिया बने, और फिर यहां से जो तकाजे आए उसके ऊपर लगते कहने वाले बने। इसी के लिए ये इस्तिमात है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा निकले, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो। दुनिया तो हर एक को अल्लाह दे ही देता है, मुतवज्जे करने की चीज अल्लाह की रहमत है, ये अगर हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए बेड़ा पार है। दुनिया तो है ही चंद रोजा, किसी को ओहदा मिल गया, किसी को डिग्री मिल गई, करोड़पति भी बन गया, क्या हुआ, मौत के एक झटके के साथ सारे मकान बना बनाया यही का यही, दुकान और शोरूम यहां का यही रह जाएगा, कुछ साथ आने वाली चीज नहीं। अगर अपनी जिंदगी को बंदे ने बना ली है, दुनिया बटोरने से ज्यादा अपने मकसद को समझा कि मुझे अल्लाह ने किस लिए भेजा है, मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है, खाना पीना मौत आए मर जाना, अगर यही मेरी जिंदगी का मकसद है तो ये चीज तो जानवर भी कर रहे हैं। अल्लाह ने तो इंसान को एक अजीम काम देकर के, अजीम मकसद देकर के भेजा है। इस मुख्तसर सी थोड़ी सी जिंदगी है, इसके अंदर रह करके ओ मेरे बंदे तुझे हमेशा हमेशा की लामहदूद जिंदगी की तैयारी करनी है, जिस जिंदगी की हर नेमत ऐसी कि कभी फना होने वाली नहीं, हर नेमत ऐसी उसे असीर भी दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेमतें दे रहा है, ये तो अल्लाह ने सैंपल के तौर पर दिए हैं, वरना यहां के मकान को, बल्कि यहां के बंगलों को जन्नत के महलों से क्या निस्बत, यहां की खाने पीने की चीजों को जन्नत के मकामात की क्या निस्बत, यहां के चाहे कितना ही आदमी महंगा से महंगा शरबत कोल्ड ड्रिंक्स पिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का जो इसे पीना पिलाएगा क्या निस्बत दोनों में। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के सामने जन्नत के तज़किरे फरमाए, फिर में आपने भी ये फरमाया, मा ला ऐनुन रअत वला उदुनुन समियत वला खतरा अला क़ल्बी बशर, आंख उसे देख नहीं सकती दुनिया में रहते हुए, आज तक किसी कानों ने वहां के तज़किरे सुने नहीं होंगे, और वहां की जो नेमतें हैं उसका तसव्वुर, उसका ख्याल भी ये छोटे से दिल के अंदर कोई पैदा नहीं कर सकता। हम सोचेंगे तो कहां तक का सोचेंगे, जहां तक का देख रखा है या जहां तक का कानों से सुन रखा है, लेकिन वहां की तो हर नेमत उससे बाला तक, वहां हमेशा हमेशा की नेमतें मिल जाए, वहां हमेशा हमेशा की राहत आराम वाली जिंदगी मिल जाए, इसके लिए ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तसर सी जिंदगी दी है। इसके अंदर खपना, इसके अंदर थकना, इसके अंदर अपने ख्वाहिशात को कुचलना, और अपने आप को अपनी आखिरत की तैयारी के लिए आगे बढ़ाना, और वो भी बड़ा मुख्तसर सा अरसा,
हमने कहा है मेहनत इसीलिए करता है कि थोड़ी सी कुर्बानी दे देवे, थोड़ा सा थक लेवे, फिर अखीर में ऐश आराम करे। बच्चा भी जो पढ़ाई में मेहनत करता है तो उसके भी जहन दिमाग में यही बात कि 10 साल पढ़ाई में अच्छी तरीके से मेहनत कर लो, डिग्री मिल जाए, फिर ऐश आराम। कारोबार करने वाला भी यही सोच करके कारोबार करता है। अभी जवानी है, गर्म खून है, दुनिया के लिए दौड़ लू जितना दौड़ना है, अखीर उम्र में ऐश आराम से खाते रहे पीते रहे। आगे का सोच कर इस वक्त हर एक परेशान हो रहा है, लेकिन इस परेशानी के ऊपर, इस थकने के ऊपर कोई वादा नहीं। और अपनी आखिरत की तैयारी के लिए जो बंदा थकेगा, जो बंदा खपेगा, उसके ऊपर 100% अल्लाह की तरफ से वादे। और ये पक्की सच्ची बात उस जुबान की बताई हुई जिस जुबान से कभी गलत निकला नहीं, बल्कि जो कुछ बोले हैं आसमान की खबर ला करके बोले हैं। वमायन के कुरानिल हवा इन हुआ इल्ला वहीन युहा। तो ये मुख्तसर सी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको दी है, इसमें अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह को राजी कर ले। अल्लाह को राजी करने वाले आमाल में अपनी जिंदगी को लगाए। ये इस्तेमाल इसके लिए है कि हम अपना सबक भूले हुए हैं, आवाज हमारी बदल चुकी है, ईमान वाले की एक आवाज नहीं होनी चाहिए, वो आवाज हमारी हो गई। करने धरने वाली एक जात अल्लाह की है, उसी के हाथ में बनना, उसी के हाथ में बिगाड़ना, उसी के हाथ में नफा, उसी के हाथ में नुकसान। हाथी को उसके गिजा के हिसाब से, चींटी को उसकी खुराक के हिसाब से रोजी का पहुंचाना उसी के कब्जे कुदरत में। सारा निजाम उसके हाथ में है। बंदे को जो कुछ मिल रहा है, न बेहतरीन मार्केट में दुकान होने की वजह से मिल रहा, न इसकी कारोबारी हुनरमंदी और लायकात और सलाहियत की बुनियाद पर मिल रहा, बल्कि कम कवियन कवियन फी तकल्लुबिहि मुहज्जबुर राय अनहु रिस्क मुनहरिफु। बड़े बासलाहियत लोग भी हैं, पांच आदमी में इसकी बात सुनी जाती है। पड़ोस पड़ोस में जब किसी को कोई मसला पेश आ जाए, इससे राय ली जाती है, लेकिन बेचारा रोजी के मामले में परेशान है। इसकी सलाहियत से औरों को फायदा मिल रहा, लेकिन अपनी रोजी रोटी अपनी सलाहियत से नहीं कमा रहा। तम ज़ाइफ़ुन ज़ाइफ़ुन फी तकल्लुबिहि कअन्नहु मिन ख़लीजिल बहरी यक़्तरिफ़ु। बहुत बेचारे, बेसलाहियत, दुनिया का उतार चढ़ाव से बिल्कुल नादान, लेकिन जहां मिट्टी में हाथ डालता है मिट्टी सोना बन जाती है। क्या है हाजा दलील अला अन्न इलाह लहू फिल खल्क सिर्रुन खफीयुन ला यंकशिफु। ये खुदाई वो राज है कि जो खुलते नहीं है। ये तो अल्लाह ने अपने कब्जे में रखा है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह फन-ए-किराअत के बहुत बड़े माहिर इमाम गुजरे हैं,
जंगल बयाबान से गुजर रहे थे, एक चरवाहा बद्दू अपने ऊंट चरा रहा था। जब आपका वहां से गुजर हुआ तो जैसा आमतौर पर देहातों के अंदर उमूमन खैर खैरियत पूछने का रिवाज होता है, इस देहाती ने भी पूछा, भाई कौन, कहा मैं आसिफ, कहां से, गुफा से, क्या काम करते हो, बस और तो कोई नहीं, कुरान शरीफ पर्दा पढ़ाना मशगला है। खुश हो गया, ओहो कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ाते हैं, कहा जी, हाँ थोड़ा सा मुझे भी सुना दीजिए। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह ज़ारियात सुनानी शुरू की। जब इस आयत पर पहुंचे, वफिस समा रिज़्कुकुम वमा तुआदून, अब ये आयत क्या इमाम आसिम की जुबान से निकली, तीर बनकर के निकला जो सीधा उस बद्दू के दिल के ऊपर जाकर लगा। अल्लाह करे ये इस्तिमात के अंदर हमारा आना, इन मजलिसों के अंदर बैठना, दीन के मुजाकरों का सुनना, कोई एक बात तीर बन करके दिल की दुनिया की काया को पलट दे। आए थे तो इस्तिमा की शिरकत तक के लिए, लेकिन अल्लाह की कुदरत की बात सुनी, उसी के हाथ में नफे का और नुकसान का होना सुना। अरे मैं तो आज तक धोखे में पड़ा हुआ था कि दुनिया जमा कर लू, दुनिया बटोर लू, राह खुदा में निकलने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा, ओ हो, रोजी रोटी का मसला आसमान से जुड़ा है। अपने सारे ऊंटों को जिबा करके करीब की बस्ती के अंदर तकसीम कर दिए। कहा, जब उसके हाथ में मसले हैं, मैं क्यों परेशान होता फिरूं, जब हमारी तश्कील हो अपने दिल से यही बात कहे। अरे जब मसले उसके हाथ में हैं, यकीनन तेरे लिए रुकावटें बजाहिर है, लेकिन उसके लिए ये कोई रुकावट नहीं है। नजर उसके ऊपर जमा का जा और राह खुदा में उसके भरोसे के ऊपर निकल जा। कुछ अरसे के बाद में इमाम आसिम तवाफ फरमा रहे थे बेतुल्लाह का, एक बंदा टिकटिकाई नजरों से उसे देख रहा है। जब तवाफ से फारिग हुए, करीब आया, पूछा, पहचाना, कहा नहीं, कहा वो ऊंट वाला। फरमाया कि एक मजीद तमन्ना है, एक दफा और सुना दीजिए। सुनाने शुरू की, जब इस आयत पर पहुंचे, फवरब्बिस समाई वल अर्द इन्नहु लहक, ये जो बात कही जा रही है कि करने धरने वाली जात एक अल्लाह की है, ये यूं ही नहीं है, आसमान जमीन के पैदा करने वाले की कसम, ये पक्की सच्ची बात है। एक चीख मारी, हाय कौन बदनसीब है ऐसा कि जिसको ये बात यकीन दिलाने के लिए मेरे खुदा को कसम खानी पड़ी। एक चीख मारी, वही अल्लाह का प्यारा हो गया। तो मसले तो उसके हाथ में हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस इस्तिमा में पहुंचाए हैं, अपनी कुछ तरतीब बनाए इस्तिमा के अंदर। पहली में दिन की असर के बाद की मजलिस जिक्र की मजलिस होती है, जिसके जरिए बंदा का अपने पैदा करने वाले खालिक मालिक से ताल्लुक जोड़ता है। अल्लाह से जो दूरी और वहशत होती है, अल्लाह के जिक्र के जरिए से अल्लाह से ताल्लुक बनता है। और जब अल्लाह से ताल्लुक बन जाता है तो फिर ये रात की तन्हाइयों में अपने सारे मसले सरगोशियों के जरिए उसके सामने पेश करता है।
या अल्लाह, मसले तेरे हाथ में हैं, मेरा ये दुनियावी एक तकाजा आया हुआ है, तू उसे आसान कर दे। और जब ताज पना होता है फिर उधर से अल्लाह की इज्जत आसान फरमा देते हैं। किसी ओहदे वाले कुर्सी वाले से ताल्लुक हो जाता है तो इसके काम सारे वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन जब ये शहर में आया जिससे हमारे ताल्लुकात है, सारे पेंडिंग काम हमारे आन के आन में सुलझ गए, सारे कागजात के ऊपर दस्तखत हो गए, अनसुलझे सारे मसले सुलझ गए। क्यों? ताल्लुक वाला है। जब हमारा ताल्लुक उससे हो जाएगा जिसके पास दुनिया आखिरत के खजानों की चाबी है, तो फिर ईमान वाले का कोई मसला हल नहीं सकता। फिर अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद पर इसकी दुनिया के मसले हर सरवटों में आसान, और फिर इसकी यही ताल्लुक आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के परवाने दिलाएगा। इसलिए अपने अपने तस्बीहात को पूरी फरमा लें। अगर कोई तकाजा नहीं है तो अपनी तस्बीहात को मुकम्मल फरमाएं, और अगर कोई तकाजा है तो जल्दी से फारिग होकर के आगे जो मजलिस मगरिब के बाद में शुरू होगी इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा गया सुना गया उसकी तौफीक अता फरमाए।